सो गाइस इसे आपने जैसा कि थंबनेल पे देखा, इसको हम चेंज करेंगे आईफोन में, इस सरकारी मोबाइल को चेंज करेंगे आईफोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको ओपन बस करना पड़ेगा ना, एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ओपन करना पड़ेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो इसको ओपन किए, थोड़ी हैंग हो रही है मोबाइल, और यहाँ पास हम जाते हैं उस वो एरो पे निशान पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा लोड लेगा। और फिर ये देखिए इसका चमत्कार देखिए इस एप्लीकेशन का, आपका मोबाइल पूरा आईफोन में चेंज हो जाएगा, आईफोन का थीम पूरा लग जाएगा आपके मोबाइल में। एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 11 MB की पड़ेगी और एड्स आते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा चेंज हो गया, और इसकी और सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ जिससे ये और अच्छा लगेगा। तो आपको लंबा प्रेस करना है अपनी स्क्रीन पर और ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको इफ़ेक्ट सेटिंग पे जाना है और यहाँ पास आप स्क्रीन को रोटेट करोगे तो होगा कैसे इफ़ेक्ट, ये वाला आ जाएगा आप लोगों के सामने। आप इस वाले मोबाइल पर क्या हर मोबाइल पर इसका यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से अपना पसंद का कोई एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मेरे को पसंद है, और लाइव पे जाते हैं। लाइव बगल में आएगा लाइव का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ स्नोइंग स्नोफॉल ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपका स्क्रीन ऐसा कुछ होगा। तो मैंने लाइव रखा है, तो मैं एक को लाइव रखा हूँ स्नोफॉल को, और फिर चलिए इधर और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मेरे को अच्छा लगता है, टिश्यू को रख लूँगा मैं और बैग चला जाऊँगा यहाँ से। बैक चले जाने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया, तो आपको बैक के निशान पे क्लिक कर देना है, ये भी बैक होना चाहिए, ये देख सकते हैं बैक हो गया। और फिर हम इस मोबाइल को देख सकते हैं, पूरा बदल गया है थीम इस मोबाइल का, कोई नहीं कहेगा अगर आप रात में चलाओगे तो ये आईफोन नहीं है। और इसके मतलब आइकन्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पास आप नीचे से ऊपर स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ देख सकते हैं आपको ऊपर स्क्रॉल करते हो वैसे ही नीचे स्क्रॉल करना है, और फिर यहाँ आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस, ब्राइटनेस बढ़ाने का, स्पीकर कम करने का आप टच में कर सकते हो, ऊपर से नीचे फ्लैश लाइट जलाने का, थीम लॉन्चर सेटिंग मिल जाएगा, इफेक्ट साइडर तो हम बता चुके हैं लॉग प्रेस करने से आता है, और सिस्टम सेटिंग तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको शॉर्टकट तरीका बना सकते हो। और फिर आपको यहाँ पास और ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो लॉन्चर सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ से आप लॉन्चर की कुछ सेटिंग्स को बदल सकते हैं, तो यहाँ पास क्लोज कर देना है, और यहाँ पास आप लॉन्चर की सेटिंग्स को जो है बदल सकते हो। तो यहाँ लॉकर्स वगैरह दे है, प्रोफेशनलाइज्ड, एडवांस, और बहुत सारे ऑप्शन जो है दिए हुए हैं, चेंज कर सकते हो। तो गाइस इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और फिर आपको सर्च करना है iOS या फिर आईफोन लॉन्चर, आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको चले जाना है iOS लॉन्चर पे, आपको नीचे से पांचवा छठवा ऑप्शन जो है मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है मिल जाएगा iOS लॉन्चर का, ये देख सकते हैं। इसको आपको इंस्टॉल कर लेने हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको अगर ये चला रहे हो देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगा आपका, इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। तो अगर आप चला रहे हो तो इसको आप बंद कैसे करना है, जैसे आपका थीम पसंद नहीं आया तो बंद कैसे करना है, जो छोड़ने वाले हैं वीडियो रुक जाइए 2 मिनट। फिर यहाँ सो गाइज यहाँ पास से आपको सेटिंग ओपन कर लिए हैं, सेटिंग ओपन करने के बाद आपको iOS लॉन्चर का एक साइड मिलेगा और आपका सिस्टम सेटिंग का एक साइड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सॉरी ऐड आ गया। तो यहाँ पास आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, तो इधर आपका सेटिंग्स रहेगा नीचे की ओर देख सकते हैं, दूसरे ओर सिस्टम सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको हटाने के लिए सबसे पहले तो सो गाइज यहाँ पास से आपको एक मैनेजर पे जाना है, यहाँ पास से आपको ऐप मिल जाएगा, ये देख सकते, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये एप्स पे जाने के बाद आपको उसको खोजना है, जैसे कि मैं उसको निकाल लेता हूँ iOS लॉन्चर को, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज पे जाने के बाद आपको क्लियर क्लिक कर देना है।